नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा जो है किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार के प्रयोग जो है आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोलते हैं। सबसे पहले महिलाओं से संबंधित जो हनुमान जी की पूजा के लिए काफ़ी सवाल आए थे कि हनुमान जयंती पर महिलाएं कैसे हनुमान जी की पूजा करें, तो आज उनके भी सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी की पूजा से भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ऐसा माना जाता है कलयुग में केवल जो है हनुमान जी की पूजा करके आप जो है अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को आपके कष्टों के निवारण का देव माना जाता है। यानी कि भक्त जब सच्चे मन से पूजा करते हैं तो उनके सभी जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। वैसे तो किसी भी देवी देवता की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को सभी को एक समान होता है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान नहीं दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? हनुमान जी की पूजा आमतौर पर पुरुष करते हैं और महिलाओं के लिए कई नियम हैं जो बनाए गए हैं। वो बहुत छोटे से नियम हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी सभी महिलाओं को माता के समान मानते हैं। उन्हें किसी भी स्त्री का अपने आगे झुकना नहीं भाता है, क्योंकि वो जो है स्त्री जाति को सदैव नमन करते हैं। यानी कि वो अपने माता स्वरूप सभी स्त्रियों को देखते हैं, इसीलिए उनकी पूजा में थोड़े से ऐसे नियम हैं। वो भी क्यों हैं? क्योंकि जो महिलाएं हैं जो पूजा में 7 दिन का गैप देती हैं, इन्हीं कारणों से जो है उनकी पूजा पाठ में कुछ नियम बताए गए हैं। तो हनुमान जयंती पर महिलाएं या जो दैनिक जीवन में महिलाएं पूजा किस प्रकार से करेंगी, महिलाएं जो है दीप अर्पित कर सकती हैं हनुमान जी को, महिलाएं जो है गूगल की धुनी रमा सकती हैं हनुमान जी के सामने, महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, महिलाएं संकट मोचन का जो पाठ है वो कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ जो है वो महिलाएं कर सकती हैं, हनुमान अष्ट का पाठ कर सकती हैं महिलाएं, हनुमान जी का भोग प्रसाद अपने हाथों से बनाकर अथवा बाजार से लाकर जो है उन्हें अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं हनुमान जी की पूजा में कुछ कार्य हैं जो नहीं कर सकती, उसके पीछे का कारण भी आज आपको बताएंगे। महिलाएं लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं, इसके पीछे उनका राजस्वला होना और उनके घरेलू उत्तरदायित्व जो है उनका निभाना मुख्य कारण बताया गया है। महिलाएं जो 7 दिन का गैप होता है महीने में, उस समय पर हनुमान जी जैसे हम पूजा पाठ हिंदू धर्म शास्त्र में, उस समय पर महिलाओं को आराम बताया गया है या उस समय पर पूजा पाठ करना, कई जगह जो है वो करते भी हैं परंतु हम जो हैं नहीं करते हैं। तो वो 7 दिन का गैप जो है सदैव माना जाता है हर पूजा पाठ में। महिलाओं को हनुमान जी को चोला अर्पित नहीं करना चाहिए। अब चोला अर्पित करने की जो विधि होती है, चोला आप जो है खरीद कर ला सकती हैं, परंतु आप जब हनुमान जी के मंदिर में जाएंगी या हनुमान जयंती पर अगर आप चोला चढ़ाने का सोच रहे हैं तो आप जो है वहीं के पंडित जी को वो जो है अर्पित करने देंगी। महिलाएं जो हैं बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती हैं, महिलाएं हनुमान जी को आसन नहीं दे सकती हैं तथा चरण पादुकाएं अर्पित नहीं कर सकती हैं। पंचामृत स्नान जो है निषेध बताया गया है उनकी पूजा पाठ में, साथ ही साथ उनको जनेऊ अर्पित नहीं कर सकती हैं। अब भाइयों और बहनों, ये तो हो गए हनुमान जी की पूजा में महिलाएं किस प्रकार के छोटे नियमों का पालन करके हनुमान जी की पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती पर हनुमान जी को पसंद करने के सिद्ध ऐसे उपाय जिनको कर आप जो है अपने जीवन के सभी मार्ग खोल सकते हैं। ये उपाय अगर किन्हीं वजहों से आप हनुमान जयंती पर नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार या फिर शनिवार को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने का, शनि दोष से छुटकारा पाने का, शीघ्र उन्नति समस्त बाधाओं के शमन के लिए हनुमान जी को हनुमान जयंती पर चोला अर्पित करें। चोले में आप जो है चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिलाकर उसे हनुमान जी की प्रतिमा पर जो है लेपन अच्छी तरह करें। ये जो कार्य है आप पंडित जी की सहायता से कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद चांदी या सोने का वर्क जो है आपको चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सदैव धन धान्य की
जो है कभी कमी नहीं आती है, साथ ही साथ आपको जो है बहुत सा लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के मंदिर में जो है केसरी रंग का चोला अर्पित करना, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दिया अर्पित करने से भी शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप जो है शनि देव के मंदिर में जाकर हनुमान जयंती पर सरसों का तेल का दिया जलाकर अपने जीवन से शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी या शनि दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत छोटा सा उपाय, हनुमान जी को लौंग लगे मीठे पान का भोग लगाना, परंतु इसमें सुपारी या चूना नहीं होना चाहिए। इतना शुभ माना जाता है कि आप जो भी मनोकामना मांगे, नौकरी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, अपने जीवन में कोई बाधा चल रही है, कोई परेशानी, कोर्ट कचहरी के मामले, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो सिर्फ ये कार्य कर दीजिए सच्चे मन से और श्री राम का जाप करिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियां जो हैं दूर होंगी। इसके अलावा हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होने वाला सिंदूर अगर इस दिन अर्पित किया जाता है तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी पर सिंदूर जो है आप अर्पित करें, चमेली के तेल में मिक्स करके। जो इनका सिंदूर होगा वो ऑरेंज रंग का होता है, पूजा की दुकान पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, विशेष तौर पर अभी हनुमान जयंती के समय पर। आप जो है हनुमान जी की तरह ही शक्तिशाली, ऊर्जावान और संयमित बनते हैं। साथ ही साथ आप जब ये उन्हें अर्पित करते हैं तो उनके चरणों का थोड़ा सा सिंदूर जो है श्री राम का नाम लेते हुए अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं, परंतु गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति ये कार्य ना करें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है इस समय पर, या आपका बच्चा छोटा है, बुरी नज़र बहुत लगती है, तो वहीं के पंडित जी से कहकर आप जो है हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर किसी तावीज़ में डलवाकर उसके गले में बंधवा दीजिए। आप देखेंगे बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से उसकी रक्षा होगी, साथ ही साथ सदैव आपका बच्चा जो है उन्नति और प्रगति प्राप्त करेगा। परंतु ये जो कार्य है वहीं के पंडित जी द्वारा किया जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप ये जो कार्य है खुद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी भाइयों और बहनों बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिनको कर कर हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई उपाय ना भी कर पाएं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री राम का जाप करें तो भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है सच्चे मन से अगर आप हनुमान जी के चरणों में बैठकर भक्त जो है सच्चे दिल से श्री राम का नाम लेते हैं, यानी उन्हें एक तरीके से पुकारते हैं, तो भगवान जो है सभी प्रकार की बुरी चीज़ों से उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें कष्टों से राहत देते हैं और जो है उनके जीवन में उन्नति और प्रगति लेकर आते हैं। अब अगर हनुमान जी की पूजा आप मंदिर में जाकर ना कर पाए, आप घर पर कैसे पूजा करेंगे? उन्हें आसन प्रदान कीजिए। आप इस दिन जो है श्री राम के श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ अपने घर पर चलाइए। सुबह के समय पर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए। साथ ही साथ आप जो है उन्हें गुड़, चना या बूंदी का प्रसाद जो है अर्पित करें। घर पर ही जो है आप उन्हें फलों में जो है केले बहुत प्रिय होते हैं, जाम बहुत प्रिय होते हैं, बेर अति प्रिय होते हैं, तो इनका भोग लगाना भी आपके जीवन में बहुत सा धन लाभ लेकर आता है। अगर आपको इमरती मिलती है तो इमरती का भोग ज़रूर लगाना चाहिए हमें इस दिन हनुमान जयंती पर हनुमान जी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे आपके कर्ज मुक्ति जो है समाप्त होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलती है, शत्रुओं का शमन होता है, यानी कि शत्रु जो है अपने आप आपके मार्ग से चले जाते हैं, साथ ही साथ आपको जो है नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, जैसे आपने चोला अर्पित किया है, आपने सिंदूर लगाया है, तो हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर लेकर उससे जो है सफ़ेद कागज़ पर स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है इसकी सही विधि हम पहले अपने वीडियो YouTube चैनल पर जो है बता चुके हैं, तो कृपया उसे देखें। स्वास्तिक जो है बीच में से काटकर कभी ना बनाए और उस कागज़ को आपको मोड़ना नहीं है। सदा इस कागज़ को अपने पास रखें, प्रतिदिन इस कागज़ को प्रणाम करें। नौकरी कारोबार संबंधित कोई भी समस्या होगी बहुत जल्दी ये जो है समाप्त हो जाएगी। अब ये जो कागज़ है आप इस बात का ध्यान रखें चमड़े के पर्स में नहीं रखना है, चाहे तो ये कागज़ जो है आप अपने पूजा घर में रख लीजिए तो आपको जो है उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस कागज़ को लेकर आप अगर जैसे नॉनवेज का सेवन करते हैं, आप
जो है बाहर के वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये कागज़ अपने साथ आपको नहीं रखना है। आप स्वास्तिक बनाकर हनुमान जयंती पर हनुमान जी के चरणों में ही ये जो स्वास्तिक है रख दीजिए और सदैव इसको प्रणाम कीजिए। आपके सभी कार्य अपने आप बनने लगेंगे। डिप्रेशन भय को दूर करने के लिए हनुमान जी की सेवा जो है बहुत उत्तम मानी जाती है। इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो है भय का नाश हो, डिप्रेशन का नाश हो, तथा वो जो है अपने आप ही इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि उनके जीवन में उन्हें सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो। निर्भयता लाने के लिए हनुमान जी के दाएं पैर से टीका लगाकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। ये मैं जो है उपाय उन सभी बच्चों को कहूँगी जो कि अभी बहुत सरकारी नौकरी चाहते हैं, पढ़ाई में अपना नाम कमाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस समय पर ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए जीवन में सभी मार्ग जो हैं अपने आप खुलेंगे, तथा पढ़ाई में भी आप जो है अपना नाम रोशन करेंगे। तो ये कार्य जो है आप हनुमान जयंती के अलावा मंगलवार और सोमवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही आपको फल जो है प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।